जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भारत उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से कार्रवाई करेगा। कुछ कार्रवाई हुई है, इसका असर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा। और इस तरह के आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लगे, वही भारत चाहता है। सर, तीनों सेनाओं के या वायुसेना के आज अधिकारियों से आपकी सुबह बात भी हुई होगी, क्या वो इस पर ऑफिशियल अब कुछ, जैसा कि कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और क्या कुछ हुआ है वो आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे? वो करेंगे, थोड़ा विस्तारित रूप में आप बता पाएंगे? वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मैं देखिए, जो सर्विस में है, जो पूरे तरीके से जो डिटेल के अंदर जाते हैं, वो एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय उसके ऊपर बोले, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग कार्रवाई जो हमला हुआ था, बड़ा हमला कार्रवाई होगी? हाँ जी, ये कार्रवाई पूरी हो गई या अभी और कार्रवाई होगी? देखिए, उचित तरीका, मैंने बोला ना, उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित तरीका। उचित तरीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे कि उचित तरीके में छोटा डंडा चाहिए, बड़ा डंडा चाहिए, लाठी चाहिए, लोहे का सरिया चाहिए, वो तो डिसीजन उन्होंने लेना। सर, इमरान खान ने कहा रिटेलिएट करेगा, अभी हमने स्ट्राइक कर दिया, क्या रिटेलिएट की कोई संभावना है? अगर करे तो फिक्र। देखिए, हमने कार्रवाई किसी कारण से की है और उस कारण का आपको पता है, बाकी जो चीज़ भी होगी उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, मुशर्रफ का, क्योंकि आपने सुना कि कहा उन्होंने कि हम, मेरा दोस्त नहीं है एक, लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक जो अगर एक बम गिरेगा तो हम 20 पहले ही गिराने को तैयार हैं। सर, हालांकि जवाब इसका प्रतिकार में ही आ गया, लेकिन फिर भी आपसे एक रिएक्शन मुशर्रफ का। नहीं, देखिए ऐसा है, मुशर्रफ साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो तो हाथ जोड़कर जिन देशों में रुके हुए हैं वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बचा लो, तो उनसे उनकी क्या बात करें? जो अपने देश का नहीं रहा वो दूसरों का क्या बात करेगा? सर, मोटा मोटी मतलब नाश्ता हो गया, लंच और डिनर का अभी वक्त कुछ तय हुआ या आने वाले दिनों में? पता नहीं, उचित कार्यवाही सर, सरकार 370 और 35 ऐसे भी कोई कार्रवाई करने वाली है क्या आने वाले दिनों? भाई, उचित कार्रवाई में जो कुछ संभव होगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और जिस प्रकार से उसके ऊपर भारत सरकार अपना विश्लेषण करती है, वो सब कार्रवाइयाँ होंगी। सब देश के लोगों में बहुत गुस्सा था जो हमला पुलवामा में हुआ था, तो इसका मतलब उसी का बदला आप कहेंगे लिया गया है? देखिए, एक बहुत स्पष्ट चीज़ कही थी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्माननीय नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारो, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी की धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा, थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है, दूर दूर से लाखा लोग थारा दर्शन करन आवे, ददरे मामा बिराजे जाहर वीर गोगा जी ने नमन, ई धरती सुवीर गण्योड्या निभजे
और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्ति री भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू अठैरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की आवाज, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है,
मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, न भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को